वेलकम टू ऑल टाइम फ्यूचर। अभी हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस ऐप कैसे इस्तेमाल करना है। ये हमारा ऑल टाइम ट्यूटर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले ये ऐप में साइन इन करना होगा, ठीक है। साइन इन जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें खतरे का कोई ज़रूरत नहीं है और ये फ्री भी है, कोई मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। ये करेंगे तो जो हमारा जो फाइल है उसका जो सेटिंग्स, अगर कभी कभी बदलना पड़ेगा, कुछ कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो वो सेव अपने डिवाइस पे खुद से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो वो सेव करने के लिए नहीं देंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है। तो अभी वो फाइल डाउनलोड, हम लोग जो अपडेट फाइल डाउनलोड किए हैं, वो डाउनलोड फाइल को कैसे ओपन करना है, तो उसको ओपन करने के लिए कि इधर देखिए ऊपर, ठीक है, सर्च के बगल में ही है, ठीक है, ये है ओपन, ठीक है। ओपन पे टच करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से डिवाइस, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो डाउनलोड किए हैं वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, वो होगा, ठीक है। या अगर दूसरा प्लेस में आप अगर शिफ्ट कर दिए तो क्या करना होगा, स्टोरेज, स्टोरेज के बाद दूसरा जो फाइल है वो फाइल का फोल्डर ढूंढना होगा, ठीक है। ढूंढने के बाद वो फाइल को ओपन करना होगा, ठीक है। कुछ सेकंड्स लगेंगे फाइल ओपन करने के लिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा फाइल है, ठीक है। शुरू में कुछ मैसेज आ रहा है, ठीक है। पहली बात क्या है, यहाँ पर देखिए एकदम ऊपर यहाँ पर दो वार्निंग मैसेज आ रहा है, ठीक है, दो वार्निंग मैसेज आ रहा है, इसको जस्ट क्लोज कीजिए, ठीक है। ये किस लिए, क्योंकि अगर गलती से अगर कोई छोटा बच्चा, ठीक है, जो ठीक से इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं तो क्या कर सकते हैं, इधर से उधर कर देंगे, उधर से इधर कर देंगे, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करना। तो वो अगर जैसे नहीं कर पाए, इसलिए ये यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी प्रोग्राम डाला हुआ है, ठीक है। ये आपका कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, आपका नेम क्या है, पता क्या है, वो जानने के लिए वो ऐसा कुछ प्रोग्राम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हम बाद में दिखा देंगे कैसे वो प्रोग्राम काम करता है, ठीक है। अभी पहले हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेल्प एंड लेट हेल्प फॉर MP2CE। ये अगर हमारा चैनल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से जो ओपन लिंक ऑप्शन आ रहा है, ये ओपन लिंक पे क्लिक करेंगे तो, ठीक है, ये हम यूट्यूब या ब्राउज़र से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। गूगल में जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में जाके ढूंढने सर्च करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ वीडियोस भी कुछ दिनों में डाला जाएगा, तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है इसके बारे में तो ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है, तो फिर आपका पता चल जाएगा कि कैसे वो करना है। एक बार वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद दूसरा बार देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, ये इसको बोलते हैं शीट आइकॉन, ठीक है, एकदम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे, ठीक है, ये शीट आइकॉन, ये क्लिक करेंगे तो एक्सेल मतलब है बहुत सारे शीट, ठीक है, एक एक शीट, बहुत सारे शीट यहाँ पर है, ठीक है। एक एक शीट में एक एक फंक्शन है, एक एक काम होगा, एक एक काम के लिए एक एक शीट बना हुआ है, ठीक है, दूसरा फंक्शन के लिए दूसरा शीट बना हुआ है, ठीक है, तो फिर काम करना बहुत ही आसान होगा, ठीक है। ये जो शीट है, नेक्स्ट हम आते हैं अपडेट शीट पे, ठीक है। अपडेट शीट में आएंगे तो पहले ये यहाँ पर दिखा रहा है फ्री अपडेट विल बी अवेलेबल सून, दैट मीन्स इसका जो नेक्स्ट वर्जन वो जरूर कुछ दिन में आ जाएगा, तब जाके क्या होगा, तब ये नया अपडेट फाइल इस्तेमाल करना होगा। ये फाइल
कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते वो टाइम पे। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है वो तो हम दूसरा वीडियो में देख लिया, हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि ये ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये शीट ओपन हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो ये शीट में क्या है, सब कंटेंट लिस्ट है जैसे किताब में होता है। ठीक है, कौन सा चैप्टर का कौन सा चैप्टर है, कौन सा क्या क्या है नहीं है, ये ऐसे इधर भी दिख रहा है। ठीक है, सिमिलरली इंग्लिश ग्रामर पे भी है। ठीक है, जो अवेलेबल है उस पर अवेलेबल क्लिक लिखा हुआ है, जो नहीं है वो कुछ दिनों में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है ये देखो, ये यहाँ पर हम सोचे कि हम गुणा करना चाहते हैं। गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये जो ओपन लिंक है इसको दबाएंगे तो हम सीधा मल्टीप्लिकेशन के पे आ गए। अभी देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है क्या तुम कर सकते हो? ठीक है, तुम बोलोगे हाँ जरूर कर सकते हो, ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा टैप करते हैं। कैसे टैप करेंगे, तो इसको थोड़ा सा नंबर अंक बढ़ा देंगे। इसको कैसे बढ़ाएंगे, ये जो नंबर ऑफ डिजिट कितना अंक का है ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको 5 कर दिए। ठीक है, और इसको बढ़ा के 3 कर दिए। अभी बोलो क्या तुम ये कर सकते हो? कॉन्फर्मली जो तुम्हारा आंसर है वो सही होगा। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया, नहीं शायद गलती होने का चांसेस है। तो कैसे पता चलेगा गलती हो गया? करने से पहले गलती कैसे हो सकता है? करेंगे उसके बाद ही तो पता चलेगा कि गलती है कि नहीं है। ये पहले क्या है, ये गुना अपना कॉपी में पहले तुरंत कर लो। ठीक है, कर लिए। अभी बोलो वो गुना सही है कि गलत है, ये कैसे पता चलेगा? तुम तो कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या कैलकुलेटर अलाउड है? तो कैलकुलेटर से हम चेक नहीं कर सकते कि ये हमारा सही है कि गलत है। तो हमें क्या करना होगा, हमें मम्मी पापा या भाई बहन कोई है वो उसमें से उन लोगों को पूछना पड़ेगा कि सही है कि गलत है। उसके बाद क्या है, वो लोग बोलेंगे कि अगर सही है तो ठीक है, सही नहीं है तो क्या कहाँ गलती हो गया है वो भी ढूंढना जरूरी है। एग्जैक्टली कहाँ पर गलती हो गया है वही तो ढूंढना है। ठीक है, और नहीं तो तुम्हारा नेक्स्ट डे टीचर आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि नहीं तुम्हारा यहाँ पर गलती हो गया है, तब तक तुम भूल चुके हो क्यों जिसके कारण तुम ये बनाए थे, क्यों वो नहीं बनाया है ना। ऐसे गलती सुधारना मुश्किल है इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमारा ऑल टाइम फ्री ट्यूटर है, हमारा ऑल टाइम फ्री ट्यूटर इसको सुधार देंगे। कैसे, जस्ट थोड़ा सा नीचे आओ और देखो ये सही है कि गलत है। और सही है तो वेरी वेरी गुड, अगर गलती हो गया तो कहाँ पर गलती हो गया, कौन सा प्लेस पे गलती हो गया वो ढूंढना बहुत जरूरी है, वो सीखना होगा। ठीक है, यहाँ पर सुनना आ गया है, शायद तुम्हारा किताब में यहाँ पर कॉपी में किए वो वहाँ पर 9 हो गया है, क्यों वहाँ पर 9 कर दिए थे वही ढूंढना जरूरी है। ठीक है, ये गलतियाँ ढूंढना जरूरी है, ये गलतियां सुधारेंगे तो नेक्स्ट टाइम और भी काम होगा, उसके बाद और भी काम होगा। बस ऐसे ऐसे करते करते हम लोग को जितना सही आंसर बनाएंगे, जितना आंसर सही होगा उतना ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ मैं ये तो कोई बात ही नहीं करना। ठीक है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट चीज है कि मम्मी पापा को धोखा देके, ठीक है, ये देख के आंसर लिख दिए, ठीक है, मम्मी पापा खुश हो गए, भाई टीचर खुश हो गए, लेकिन तुम जानते हो तुम क्या किए हो, तो मतलब क्या है, तुम अंदर से खुश नहीं होगा, हो गए, मम्मी पापा खुश है
मेरा बेटा इतना बड़ा बड़ा गुना कर दे रहा है, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो के जीरो ही है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? जब एग्जाम में तुम करोगे, बस एग्जाम हॉल में कोई तो चीट नहीं हो सकता, बस हो गया गलती। ठीक है, इसलिए ऑल टाइम फिट ईटर है। जितना तुम सही करोगे, ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना बढ़ेगा, ठीक है, एग्जाम हॉल में अगर कोई भी आंसर है ये आंसर है, तुम्हारा फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं आंसर ये है, आंसर ये है, वो एक फ्रेंड बोल रहा है आंसर ये है, वो और एक फ्रेंड बोल रहा है आंसर ये है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानते हो मैं जो किए हो वही सही है। ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया। बस नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? ठीक है, नेक्स्ट टाइम दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है, वो जो गलती सुधार लिए, अभी नया प्रॉब्लम चाहते हो तो क्या करना है? ठीक है, ये ऑरेंज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सर्कल, नेक्स्ट क्लियर, देखो दूसरा नंबर आ गया, इनफाइनाइट प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, फिर से प्रैक्टिस करो, गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, ऐसा जस्ट दो तीन दिन ठीक से प्रैक्टिस करो, बस पूरा जिंदगी भर यही याद रहेगा गलती कैसे सुधारना होता है। ठीक है, बस ये जो येलो कलर है, ये येलो कलर का मतलब है ये सेटिंग्स, यहाँ पर अपना डिजिट हम चेंज कर सकते हैं। ये तुम्हारा लिए फ्री है, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो प्लेस है, ये अगर किसी ने गलती से चेंज कर दिया, ठीक है, शायद तुम्हारा भाई या बहन, छोटा बहन, वो ठीक से जानता नहीं है, वो गलती से चेंज करना कर दिया, कुछ इधर उधर कर दिया, ये टच करना था वो टच कर दिया, वो टच करना था, लेकिन ये शीट ऐसा प्रोटेक्टेड है कि वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों कलर है, एक है येलो जो तुम सेटिंग्स तो जो तुम बदल सकते हो, एक ऑरेंज, ठीक है, जिसको करने से ऑटोमेटिकली ये नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब कलर प्रोटेक्टेड है, तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम जो शीट है, शीट आइकॉन तो क्लिक करेंगे, तो एक एक फंक्शन, ठीक है, ये नंबर स्पेलिंग, ठीक है, एक बड़ा बड़ा संख्या है, ये स्पेलिंग क्या होता है, एक गलती होता है सुधारना है, सुधार सकते हैं। उसके बाद ये पहरा, मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे प्रैक्टिस करना है, यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद LCM ACF मतलब लॉस और मॉस और कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सा है, वो कैसे ढूंढेंगे, वो यहाँ पर पता हुआ है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न भिन्न संख्या कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आसानी से कर सकते, यहाँ पर बता हुआ है। ठीक है, अगर कुछ मुश्किलें होता है तो यहाँ पर हमारा जो वीडियोस है एक बार देख लो, बस उसके बाद देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आराम से अपना कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये दशमलव संख्या का ऑपरेशन कैसे करना है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक एक फंक्शन के लिए एक एक शीट है, वो ऐसे कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, ये अपडेट शीट में जाएंगे, यहाँ पर जो ऑपरेशन करना है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ओपन लिंक पे जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उस ऑपरेशन पे आ जाएगा बुक की तरह, लेकिन ढूंढना बहुत आसान हो गया। ठीक है, अभी सोचो एक चीज है, शायद तुम्हारे घर में दो भाई बहन है, या दो बहन दो भाई हो, ठीक है, जो भी है, तो हाँ, तुम अपने के लिए कुछ सेटिंग्स डाल दिए। ठीक है,
उसके बाद तुम्हारा भाई क्या कर रहे है, वो बोल रहा है कि नहीं मेरा ये सेटिंग चाहिए, तो वो सेटिंग अपना सेटिंग फिर से बता दिए, तो क्या हो गया। ठीक है, हर एक बार जब हम प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे हमें हर बार सेटिंग्स चेंज करना होगा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है, ठीक है देखो, एकदम ऊपर टॉप में ठीक है थ्री डॉट दिख रहा है, ये थ्री डॉट के ऊपर टच करो, टच कर दिया, यहाँ पर सेव एज ऑप्शन आ रहा है, सेव एज के ऊपर टैप करो। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा अपना नेम डाल दो इसके साथ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम जब प्रैक्टिस करोगे तुम अपना नेम का फाइल को ओपन करोगे और वहाँ पर चेंज करो, सेव कर दो, बस हो जाएगा, रह जाएगा। ठीक है, तुम्हारा भाई और बहन वो जो प्रैक्टिस करेंगे वो अपना नेम का फाइल को प्रैक्टिस करेंगे, बस इसी तरीके से दो तीन बार फाइल डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार डाउनलोड करो, उसके बाद हर एक का अपना अपना के लिए एक्सेस करो, बस आसानी से अपना गलतियां सुधारते रहो। एक ही चीज 6 या 7 दिन ठीक से प्रैक्टिस करो, पूरा दिन जीवन भर में याद रहेगा। ठीक है, गलती होने का चांसेस ही कम हो जाएगा, बस और कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कभी भी। ठीक है, तुम्हें मम्मी पापा कब आएंगे तुम्हें तुम्हारे सुधारने के लिए, ठीक है ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब ओपन करोगे, ठीक है देखो रिसेंट फाइल में तुम्हारा वो फाइल दिखेगा, दिखाई देगा। ठीक है, रिसेंट सेक्शन पे तो दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो ये हम जानते हैं, ये ओपन आइकन पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, करने के मौका मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये ऐप को। ठीक है, धन्यवाद।